आपको एक विलन की स्टोरी सबसे पहले बताइए कैसी लगी? मुझे काफी अच्छी लगी। एक्टिंग में तो यार चारों स्टार्स में से मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अपना यही जॉन इब्राहिम ने किया है। रोल किसका बढ़िया लगा सबसे? अर्जुन कपूर का, उनके तो मतलब एक्टिंग के बाद मैं दीवानी हो गई। मूवी तो बहुत अच्छी है, शुरू से लास्ट तक सस्पेंस रहा, जॉन इब्राहिम ही पूरी मूवी में छाए रहे। अब इस मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 3.5 स्टार। 5 out of 5। वेलकम एवरीवन, मैं पलक गुजराल आप सभी का स्वागत करती हूँ मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल में। आज मैं आई हूँ डिलाइट डायमंड में, जहाँ पे सबकी फेवरेट 8 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही है एक विलन रिटर्न्स। ऑफ कोर्स एक विलन रिटर्न्स, एक विलन जो पहले तो बहुत हिट गई, अब इसका सीक्वल कितना धमाल मचा पाता है वो तो दर्शकों के रिव्यू से ही पता चलेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर उनको ये मूवी कैसी लगी। आपको एक विलन की स्टोरी सबसे पहले बताइए कैसी लगी? मुझे काफी अच्छी लगी। जो फिल्म का एंड है ना वो काफी ज्यादा कमाल का, फिल्म आपको आखिर तक बांधे रखेगी। जैसा कहा गया है पहले विलन कौन है वो आपको आखिर में ही पता चलेगा और वो इस फिल्म की जीत है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट आया था 8 साल पहले, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर थे और अब सारे करेक्टर्स चेंज है। तो अगर कोई फेवरेट वन पिकअप करनी पड़े तो आप किसको लेंगे, फर्स्ट पार्ट को या सेकंड पार्ट? देखिए 8 साल बहुत समय बीत गया है, तब के हिसाब से फिल्म तो ये आपके हिसाब से फिल्म ये अपने 2022 में आई है, तो आई एम श्योर कि ये भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी। जो लोग थिएटर में आएंगे वो निराश होकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि थिएटर में आकर के देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। किसका रोल पसंद आया और क्या गाने थे, आप उसके बारे में बताइए। मुझे जॉन पसंद आए हैं एंड अर्जुन भी पसंद आए हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि इतने हॉट फिल्म में लग रहे हैं, उनकी बॉडी देखने को मिल रही है। फिल्म रिटर्न्स पूरे 8 साल बाद, तो कैसे लगी विलन की स्टोरी आपको? मूवी तो बहुत अच्छी है, शुरू से लास्ट तक सस्पेंस रहा, जॉन इब्राहिम ही पूरी मूवी में छाए रहे। लेकिन इसके मुकाबले अगर कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट इससे 10 गुना ज़्यादा या मैं कहूँ 100 गुना ज़्यादा बेहतर थी, और म्यूज़िक के नाम पे इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको इसकी म्यूज़िक बिल्कुल भी कोई गाना पसंद नहीं है? गाना इस मूवी का कोई ऐसा नहीं है जो लोगों की जुबान पे चढ़ पाए। पहले वाली मूवी का इसमें मतलब जो भी सॉन्ग से तेरी गलियाँ, पहले वाले का इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग था, वो इसी में दर्शाया गया और कुछ नहीं। तो रोल कौन सा अच्छा लगा, और जो दिशा पाटनी का रोल था जो शायद हर मूवी में एंड के सेम हो जाता है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? दिशा पाटनी का जो रोल था वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक सस्पेंस वाला रोल था, जो जिसमें कुछ पता नहीं लग पाता कि कौन कहां पर क्या हो रहा है, कब कहां पर क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं लग पाता उसके बारे में। बाकी सबकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, जॉन इब्राहिम पूरी मूवी में छाया। तो कैसी लगी आपको एक विलन की स्टोरी सबसे पहले? स्टोरी ठीक ठाक है, ठीक ठाक डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया, बाकी ठीक है, अच्छी है। तो 8 साल पहले इसका फर्स्ट पार्ट आया, तो अगर हमें कोई फेवरेट पिक करनी पड़ेगी फर्स्ट या सेकंड पार्ट, तो आप किसको सबसे पहले पिक करेंगे? फर्स्ट ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट में जो काम किया था सिद्धार्थ ने, रितेश ने और श्रद्धा ने, वो इससे बेटर था, बट ठीक है, ये भी कहीं कम नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बॉलीवुड में इस टाइम ऐसा चल रहा है कि कोई भी फिल्म चलने वाली, चाहे स्टार कास्ट बड़ी हो या छोटी, तो आपको लगता है कि ये फिल्म कुछ हम कर दिखा सकती है? देखिए वो तो अभी मूवी रिलीज होगी फ्राइडे को, यानी कि आपको खैर 12 बज गए तो रिलीज होगी ये मूवी, पता लगेगा। वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि एडवांस बुकिंग तो इस मूवी की कुछ खास अभी होने रही है, तो जो होगी ऑन द स्पॉट बुकिंग होगी, तो देखते हैं कि क्या होता है। हेलो सर, तो कैसी लगी आपको एक विलन की स्टोरी? एक विलन की या एक विलन रिटर्न्स की? I'm talking about एक विलन। विलन की तो विलन है, बहुत तगड़ा विलन है, आई लाइक इट। बाद इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, तो अगर कोई फेवरेट वन पिकअप करना पड़े दोनों में से, तो आप किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे? यार देखो, फर्स्ट का जो एक विलन आया था वो बहुत बढ़िया थी, उसका कंपैरिजन किसी और मूवी से नहीं कर सकते, भले उसका सीक्वल ही क्यों ना हो। और ये आया है कि अपने आप में आज की जनरेशन से मिलता जुलता एक बहुत बेहतरीन अपग्रेड है। तो अपग्रेड नॉट इन द सेंस कि हाँ भाई उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अलग, कॉन्सेप्ट क्या, उसका जो प्लॉटिंग पूरा बढ़िया था, जो स्टूडेंट जो ऑडियंस तक रीच थी अलग कॉन्सेप्ट में थी, अब की अलग कॉन्सेप्ट में, मज़ा आएगा। और मैं सभी से गुजारिश करूँगी जितने भी हैं आप लोग प्लीज देखने आए और देखिए, बहुत बेहतरीन मूवी है। तो जैसे कि बॉलीवुड में जो दौरा चल रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी स्टार कास्ट की फिल्में फ्लॉप साबित हो रही, इवन शमशेरा जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी वो भी फ्लॉप साबित हुई थी, तो क्या ये मूवी कुछ कर सकती है स्क्रीन पर?
यूथ के लिए तो बहुत कुछ कर सकती है, बदलते परिवेश में ये ऐसी पक्षर आना और ऐसे यूथ को अगर देखता है यूथ तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट, जैसा आपने खुद भी देखी होगी मूवी तो आपने समझा होगा इस चीज़ को, और जो देखेंगे आई गेस वो भी समझ पाएंगे कि कैसी मूवी और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या आज के समाज में कितनी रिलेवेंट है ये। तो आई होप सबको मजा आएगा देख कर। तो कैसी लगी 8 साल बाद दोबारा एक रिटर्न्स की वापसी? देखो अगर मूवी की बात करूँ तो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग जो शुरू होती है ना ऐसा लगता है कि आगे कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा होना तो दूर की बात है, फिल्म आगे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गिरती जा रही है। चाहे इसमें आप दिशा पठानी को देख लो, जॉन अब्राहम को देख लो या अर्जुन कपूर को देख लो, बाकी मेरे को चौथेगा राम नहीं याद है तो मेरे को उसका हाँ जो भी है आई डोंट केयर। बाकी हाँ मूवी का अगर आपको कुछ देखना है तो आप दो चीज़ें देख सकते हो, एक एक्शन देख सकते हो और दूसरा आपको कैसे क्राइम करना है आप ये देख सकते हो। तो मतलब क्राइम करने के लिए ये बेस्ट सीरीज हाँ, अगर आपने क्राइम करना है कि हाँ किसी को मार के कैसे टुकड़े करके काट के फेंकने हैं या फिर आपको ये देखना है कि रोमांस कैसे करना है तो आप मूवी आपको देख सकते हैं। इसके अलावा इस मूवी में कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। तो 8 साल पहले जिसका फर्स्ट पार्ट आया था तो क्या वो बेटर था इससे? वो बेटर बहुत बेटर था, उसके हिसाब से ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता, ये मूवी उसके हिसाब से कहीं है ही नहीं। तो जैसे 8 साल पहले इसका फर्स्ट पार्ट आया था उसमें रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, उनकी एक्टिंग बिल्कुल अलग थी और अब के जो कैरेक्टर्स लिए गए अर्जुन कपूर, जॉन, चाहे टीशा टाइप, कहानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, पता नहीं बस नाम ही क्यों रख दिया है, बट अच्छी है यार, वन टाइम वॉच पे ये अच्छी मूवी है। रोल किसका बढ़िया लगा सबसे? अर्जुन कपूर का, उनके तो मतलब एक्टिंग की मैं दीवानी हो गई, मैं उनके फैन नहीं थी बट उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। स्टोरी जिसमें दिखाई गई है कैसी लगी? विलेन की स्टोरी अच्छी थी, हर मूवी मतलब विलेन का एक कॉन्सेप्ट ही यही रहा है, विलेन एक विलेन वन हो या ये टू हो, दोनों में ही एक विलेन को एक जीतने की एक भड़ास जो होती है ना, और ऊपर से ये सीरियल किलर से डिपेंडेंट मूवी है तो बहुत बढ़िया लगी, बस यही है। और एक्टिंग में तो यार चारों स्टार्स में से मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अपना यही जॉन अब्राहम ने किया। जैसा लास्ट जब इसकी जब फर्स्ट पार्ट आया था उसमें रितेश देशमुख थे, श्रद्धा कपूर थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो अब इस मूवी में कैरेक्टर्स भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, तो क्या लगता है कि पहली बेटर थी कि अब ज़्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से पहली ज़्यादा बेटर थी, डोंट बी ऑफेंड भाई अगर आप देख रहे हैं और जॉन अब्राहम भाई, तो मेरे हिसाब से पहली ज़्यादा बेटर थी। म्यूजिक्स कैसे लगे? मैंने गाने देखिए म्यूजिक अच्छे थे ऐसा नहीं है, कहानी की शुरुआत ही एक सिंगर से होती है तो वो एक बढ़िया चीज़ थी, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, हर मोड़ पे आपको गूजबम्स आने वाले, बहुत क्रिएटिव है मूवी। राइटर के लिए शाउट आउट, बिग शाउट आउट भाई, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, दैट्स इट। तो अब आप इस मूवी को रेटिंग कितनी देंगे? मूवी ही रेटिंग्स पे डिपेंड करती है तो मेरे हिसाब से 3 स्टार इज गुड। थैंक यू। तो दर्शकों के रिव्यूज में बता ही दिया कि आखिर एक विलन की कहानी होती कैसे, शायद रियल लाइफ में भी ऐसा होता हो या नहीं ये तो नहीं मैं जानती, लेकिन दर्शकों को ये मूवी काफी पसंद आई है, सबने इतनी बढ़िया एक्टिंग की, इतने बड़े बड़े उसे रिव्यूज भी मिले, तो शायद कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड में जो फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला चल रहा है उसे रोक पाए। लेकिन आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्राइडे को ये मूवी रिलीज हो रही है तो जाके अपने नजदीकी थिएटर रूम में जरूर देखें। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, ऐसी और भी मूवी रिव्यूज के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं पलक मुजरा कैमरामैन पुनीत वर्मा के साथ, धन्यवाद।